Hello, my dear students of class 10. Today, I am teaching here chapter Nationalism in India. Previous video में मैंने गांधी जी के द्वारा जो salt march, non-cooperation, salt march जो चलाया गया था उनके बारे में एक short discussion हुई थी जो साबरमती से लेकर के दांडी तक sea coast में जा करके वो लोग 78 वॉलंटियर्स थे साथ में 12 मार्च 1930 को वो चले थे और वहां पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके वाटर को बॉयल करके ये लोग सॉल्ट बनाने के बाद सॉल्ट लॉज को जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था उसको ये लोग ब्रेकअप करते हैं। तो सी कोस्ट डांडी जो मैप में आता है तो आप उसको इंडिया के मैप पर आप देख लेंगे कि कोस्टल एरिया में कहाँ पे दांडी सिचुएटेड है, यानी दांडी का लोकेशन क्या है, क्योंकि ये आपको मैप वर्क में पूछा जाएगा। आज का जो वीडियो है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि जिसका कि पहला एग्जांपल सॉल्ट मार्च से हम लोग शुरू किए थे, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो इंडियन पीपल के द्वारा चलाया गया था वो किस प्रकार यहाँ शुरू होती है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह ही इसको भी कॉल ऑफ गांधी जी कर देते हैं। तो आज का यही वीडियो है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो है बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बिगनिंग कैसे हुआ था और एंड भी कैसे हुआ था, तो हम वहां से शुरू करेंगे, एंड तक पहुंचेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का तो शुरुआत दांडी मार्च से हो चुका था। उसके बाद यानी कि पीपल वर नाउ आस्क नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, यानी कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पीपल को ऐसा कहा जा रहा था कि आप सिर्फ कोऑपरेशन से ही रिफ्यूज मत कीजिए बल्कि आपको कॉलोनियल लॉ को भी क्या करना है, ब्रेकअप करना है, उसको भी तोड़ना है। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉज, मैन्युफैक्चर सॉल्ट, बायकॉटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, यानी कि देश के इंडिया के विभिन्न पार्ट्स में लोग सॉल्ट बनाना शुरू कर दिए, सॉल्ट लॉ को लोग ब्रेकअप करना शुरू किए, बायकॉट फॉरेन क्लॉथ का लोग बायकॉट करना भी शुरू कर दिए, लिक्विड शॉप की पिकेटिंग शुरू हो गई, यानी तालेबंदी, उस दुकान पे तालेबंदी करना लोग शुरू हो गए, यानी जगह जगह रिवोल्ट को देखा गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, यानी कि जगह जगह पे लोग भी रिवेन्यू को देने से इनकार करने लगे, जो भी इसमें स्टूडेंट्स थे या जो भी जॉबर थे वो सब अपना जॉब छोड़ करके इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कूद जाते हैं, यानी कि ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह ये भी एक वायलेंट क्लास के रूप में टर्न हो जाते हैं। तो जब ही ये रिवोल्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है तो कॉलोनियल गवर्नमेंट इसको सप्रेस करने के लिए यहाँ के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे उन प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिए, जिसमें कि अब्दुल गफ्फार खां को 1930 अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिए। कहाँ पे, तो ये सोलापुर के पास अब्दुल गफ्फार खां अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, एंग्री क्राउड डेमोंस्ट्रेशन इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर, यानी कि ये पेशावर की कहानी है। फिर गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, तो वहां सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे इनके अगेंस्ट में, क्योंकि ये सब तो प्रोमिनेंट लीडर थे, तो प्रोमिनेंट लीडर को जब अरेस्ट किए तो जन सैलाब तो उमड़ पड़ती है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक द पुलिस पोस्ट म्यूनिसिपल बिल्डिंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, यानी कि वो लोग रेलवे स्टेशन इधर उधर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिए। तो
कॉलोनियल गवर्नमेंट इसमें जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे या मास लेवल पे जो भी लोग रिवोल्ट को करते थे उनको अरेस्ट करते जाते थे, कहीं पर लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा भी जाता था, बच्चे हो या उमन हो सबको हर एक तरह से यानी उसको सप्रेशन के लिए यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न तौर तरीके अपनाए जाते थे उनको सप्रेस करने के लिए। तब लास्ट में यानी कि जब ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है यानी कि पीसफुल सत्याग्रही वेयर अटैक्ड वुमन एंड चिल्ड्रेन वेयर बीटन एंड अबाउट 1,00,000 पीपल वेयर अरेस्टेड, यानी कि लगभग देखा गया कि 1,00,000 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। तो इस सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी को लगा कि अब कुछ लोग तो अरेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोग उनके गोली का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में गांधी जी इनको भी यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ करने का ऐलान करते हैं, यानी इन अ सिचुएशन महात्मा गांधी अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड इन टर्न इन टू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931 को इन दोनों में एक वार्तालाप होती है जिनको कि हम लोग गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो उनके अनुसार ये कहा गया था कि अगर आप फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हो चुकी थी 30 में और 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था वो भी लंदन में, तो आप अगर सेकेंड राउंड यानी गांधी जी को कहा गया इरविन के द्वारा कि अगर आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप अगर भाग लेते हैं तो वहां जाने के बाद यहाँ की जो भी समस्या है उनको सुलझाया जाएगा और आपके जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जो अभी जेल में मौजूद हैं उनको हम क्या करेंगे रिलीज कर देंगे। तो हार के गांधी जी बार बार इनकी मतलब बातों पे यानी कि चालाकी को नहीं वो समझ पा रहे थे और वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करके कहाँ चले गए, पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी consented to participate in a round table conference, the government to agreed release political prisoner, यानी कि इस गांधी इरविन पैक्ट में कहा गया कि आप इस पे सहमत हुए कि आपको जितने भी political prisoner है उनको मैं क्या करूंगा release कर दूंगा। लेकिन ब्रिटिशर्स तो एक प्रकार के क्या थे, कनिंग फॉक्स थे, करते कुछ और थे और करते कुछ और थे। जो ही गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहां से जब आते हैं अपने इंडिया को तो यहाँ आने के बाद यहाँ का जो सिचुएशन देखते हैं तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तब तक में जो जवाहरलाल नेहरू अब्दुल गफ्फार खां पूना जेल में ही बंद थे और उस बीच में वायलेंट यानी रिवोल्ट के चलते भगत सिंह को तब तक फांसी की सजा दे दी गई थी। तो पूरे भारत में भगत सिंह के फांसी की सजा पड़ने से पूरे भारत के लोग एक प्रकार से आक्रोशित थे। इसीलिए जो गांधी जी राउंड टेबल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिस बात को सोच करके वो इरविन की बात को मानते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसके बाद अब 1931 के बाद हम देखेंगे कि अब ये मूवमेंट किस प्रकार अब आगे बढ़ती है और उसके बाद टाउन में किस प्रकार होती है या इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में टाउन के लोग हो या और यहाँ के डिफरेंट क्लास के जो पीपल हैं वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस प्रकार पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी तो चूंकि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू ही हुई है तो हम अलग अलग ग्रुप में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कौन लोग इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पार्टिसिपेशन से वंचित रह जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीजों की चर्चा
करेंगे। धन्यवाद।